दोस्तों आज के सेशन में लगभग 11,000 रुपए कमाए हैं मैंने। आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जरा मुझे ये भी स्टॉक दी अबान ऑफशोर दिख रहा है मुझे शॉर्ट करने के लायक, तो मैं उसको देख रहा हूँ शॉर्ट करने का आपकी आंखों के सामने। अगर एक बार ये आज का डी का लो 188 तोड़ता है तो अपन शॉर्ट जाएंगे, और इसका स्टॉप लॉस लगभग अपन 189 पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा रखेंगे। देखते हैं गिरता है कि नहीं, गिरने का ताकत होगा तो डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे। मगर आज के दिन में लगभग अभी तक तो 11,000 रुपये कमाए हैं। देखते हैं अभी अबान ऑफशोर की वजह से कुछ होता है तो और भी कमा सकते हैं। मगर ये आज की वीडियो में मैं खास बात करना चाहता हूँ, ये 100 का सिंड्रोम होता है। 100 का सिंड्रोम इन सेंस, आपने क्रिकेटर्स लोगों को देखा तो होगा ना बहुत बार कि ये लोग आउट हो जाते हैं लगभग 90s में रहते, 91 92 93 रन स्कोर करने के बाद में आउट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी लगभग ऐसा बहुत बार होता है कि मैं लाइक 9,800 रुपये कमाता हूँ, या फिर 9,000 रुपये कमाता हूँ, या फिर 9,900 रुपये कमाता हूँ, आखिर का 100 रुपये कमाने के लिए जब वो ट्रेड लेने जाता हूँ वो ट्रेड उल्टा पड़ जाता है, और ट्रेड और उल्टा 9,000 का वापिस। कभी 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 ऐसा भी हुआ है कि 9,000 का पूरा पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया है और मेरे को कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसे भी चीजें हो सकती है, ऐसे भी चीजें होती है। सेम जो क्रिकेट में है वो यहाँ पे होती है, बिकॉज फाइनली ये सब पूरा साइकोलॉजी का खेल है। तो मेरा यही कहना है कि मैंने ये सीख लिया कि भाई सिर्फ नंबर वो 200 रुपए के लिए 5,000 10,000 का प्रॉफिट मत गलाइए। और मैंने बहुत 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 बार सीखा है ये चीज, क्योंकि मेनली क्या होता है कि अपने को लगता है कि भाई राउंड नंबर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, मगर राउंड नंबर के पीछे आप पूरा का पूरा कैपिटल की वाट लगा देते हैं तो वो बहुत ही गलत बात है। तो बस यही दिखाने बात करना चाहता था। अभी सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी तक लगभग 11,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। रिलायंस कैपिटल में सबसे ज्यादा ट्रेड किया, अभी भी 10 शेयर मैंने शॉर्ट रखे हैं इसके ऊपर। गोवा कार्बन छोटा छोटा सा ट्रेड था। सन फार्मा में मैंने एक्चुअली बहुत अच्छा पैसा बनाया, आज 6,700 900 रुपये लगते बनाया है। टेक महिंद्रा में छोटा सा ट्रेड लिया था, उसमें अच्छा पैसा बनाया। सबके सब शॉर्ट ट्रेड से, एक्सेप्ट फॉर गोवा कार्बन जो बाय करके सेल किया मैंने, बाकी सबके सब शॉर्ट ट्रेड्स है। तो इस तरह से आज का दिन अब लगभग 11,000 रुपये हो गया है। अभी देखिए वापस यहाँ पे भी वही हुआ था। ये जो आखिर का जो क्या बोलते हैं 11,000 है, ये मेरा लगभग सुबह से 7,500 8,000 ऐसा कुछ तो हो रहा था, और फिर फाइनली ये मुझे रिलायंस का ये बहुत बड़ा ट्रेड मिल गया। उसमें फटाक से मेरे को एक 2-3 मिनट में 4,000 रुपये का फटाक से इनकम आ गया। तो इस तरह से ये ट्रेड पूरे के पूरे आज के दिन के थे। तो मेन सीख यही है कि भाई राउंड नंबर के पीछे मत भागिए, कुछ ट्रॉफी आपको मिलने वाली नहीं है। आप जितना मुनाफा हो रहा है उतना ले लीजिए बाजार में से, क्योंकि आज नहीं तो बाजार रोज खुलता है भाई। पूरे पिछले 200 साल से बाजार चल रहा है, हालांकि स्टॉक मार्केट पिछले 20-30 साल 37-40 साल से चल रहे हैं, और ये बाजार जो है दुनिया है पिछले 200-5 हजार साल से चल रही है। तो रोज का रोज बाजार तो बैठेगा, स्टॉक मार्केट भी रोज का रोज होता है अपना। तो एक ट्रेड गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर प्रॉफिट है उसको मुनाफा को बांधना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी ये ट्रेड को देख रहा हूँ क्या हो रहा है, अभी तो कुछ हो रहा तो नहीं है, कब से मैं देख रहा हूँ क्या होने वाला है। देखते कुछ ट्रेड मिलता है तो आपके आंखों के सामने वो भी देख लेते हैं। और ये रिलायंस और टूट रहा है, मतलब 10 ही शेयर है मेरे पास में, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट दिख रहा नहीं है, मगर 11,880-90 रुपये में चलिए कवर कर लेते हैं इसको, अपन एग्जिट करते हैं, बहुत हो गया आज के लिए। बस यहाँ पे ही खत्म हो गया। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो वापस दोस्तों, वापस मैं बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। इसको आपको करना है तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में करना होगा, तभी किधर ऐसा टाइप का गेंस आपको दिखेंगे रेगुलर बेसिस पे। मगर बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इसका सही तरीके से नॉलेज लेना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में आपको सही तरीके से इसमें काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वापस जैसे मैंने आज के वीडियो में जो बात किया मैंने कि भाई ये नाइन नंबर के राउंड नंबर के सेंटर में मत जाइए, जितना पैसा मिल रहा है उसमें ले लीजिए। अभी मेरे को यहाँ पे 11,000 दिख रहा है, मेरे को भी लग रहा है कि भाई 15,000 भी कर लूँ भाई, फिर बाद में 15 होने का 20,000 भी कर लूँ, और 15 के नाद में मेरा 11 है पूरा भी निकल सकता है। मगर इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में जितना है उतना लेके निकल जाने का और शांति से रहने का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे थम्स अप तो बनता है, वीडियो पे लाइक देना मत भूलिए। कोई भी नया दर्शन मेरा इंट्राडे वीलॉग चैनल देख रहा होगा तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसके बाजू में घंटा बटन भी है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि कभी भी मैं इंट्राडे ट्रेड डालूँ और उसके ऊपर कुछ भी कॉमेंट्री करूँ तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल जाएगा। मगर वापस मैं बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है, स्विंग ट्रेडिंग और मल्टीपल ट्रेडिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे पैसा सही तरीके में बहुत बड़ा पैसा बनता है, बड़े पैसे पे। ठीक है,
मैं महेश पाटिल, आप देख रहे हैं मेरा इंट्राडे चैनल, इंट्राडे वीलॉग। हैव अ गुड डे।